हाँ दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स का जो 10th क्लास का चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश कहाँ से मिलता है, प्रकाश कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखो प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश जो आती है, अब पूछा जाए कि यह कहाँ से आती है, तो ये आती है सूरज की प्रकाश से। ठीक है, अगर कोई पूछा जाए कि क्या मानव की आँख में प्रकाश होता है, तो मानव की आँख में प्रकाश नहीं होता है। सूरज की प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है, पृथ्वी पे पड़ने के बाद जब हमारी आँख तक पहुँचती है, तो आँख उसको मतलब कि संवेदना उत्पन्न करती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि रात में जब कोई रूम होता है उसमें लाइट जब जल रहा होता है तो सब चीज़ दिख रहा होता है, जब रूम को लाइट बंद कर दिया जाए तो हमें कुछ नहीं दिखता है। अगर मेरा आँख में प्रकाश होता तो क्या दिख, आँख में अगर प्रकाश होता तो तब दिखता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो प्रकाश सूर्य से मिलता है। अगर सूर्य पूछा जाए कि सूर्य एक प्रकार से, देखो अब क्या कहा जाता है कि सूर्य एक प्रकार की आग का गोला है, वैज्ञानिक का कहना, लेकिन मानव का कहना है कि सूर्य भगवान है, लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि सूर्य जो है ये दो तत्वों से मिलकर के बना है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये हाइड्रोजन का खोज कौन किया था, तो यहाँ पे ये भी हम बता सकते हैं, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। हीलियम का खोज कौन किया था, तो हीलियम का खोज किया था लोकेयर। ठीक है, अब यहाँ से ये सूरज की प्रकाश, यहाँ प्रकाश कहाँ से आती है, सूरज की प्रकाश पूरा दुनिया को अगर दिखाने के लिए कोई प्रकाश है तो वह है मेरे पास सूरज की प्रकाश। अगर इसी में से पूछा जाए क्या चंद्रमा में प्रकाश होती है, तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं होती है, चंद्रमा प्रकाश सूर्य से लेती है। अगर इसमें सवाल एक और पूछा जाए कि क्या सूर्य की जो प्रकाश है वो मतलब कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये भी सवाल में पूछ सकता है। अब यह यहाँ पे कि सूर्य की बात आए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी थी, तो 15.2 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है, तो इसमें लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लेती है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, अगर अच्छा तैयारी करना है तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा जान गए और उसमें यही बजा करके आगे बहुत दिक्कत होता है। अब यहाँ पे सवाल आए कि सूरज की प्रकाश वहाँ से जब चलती है तो कितना किरणिक से चलती है, तो देखो समय, यहाँ पे दूरी, दूरी बटा अगर यहाँ दूरी है और ये हमारा क्या है, समय है, तो दूरी बटा समय अगर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो जब भागा दोगे तो यहाँ पे चला आएगा 3×10^8 m/s की चाल से। बात समझ रहे होंगे, अगर पूछा जाए कि सूरज निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10^8 m/s। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाए क्या प्रकाश के लिए माध्यम जरूरी है, तो प्रकाश के लिए ना तो माध्यम की जरूरी है, कोई चीज़ की इसे जरूरी नहीं है। ये माध्यम में भी चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। ठीक है, ये निर्वात में चलता है और माध्यम में भी चलता है। अगर माध्यम होगा तब भी ठीक, माध्यम नहीं होगा तब भी ठीक। बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ से बात आती है कि प्रकाश एक प्रकार की, अब अगला जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगर सवाल में पूछा जाए कि क्या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हाँ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पे प्रकाश अगर पूछा जाए क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो हाँ है। अब इसमें से सवाल जो था प्रकाश के बारे में, प्रकाश पूछा जाएगा प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या कहलाता है, प्रकाश, ठीक है। अगर प्रकाश पूछा जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। इसको लिख सकता है, लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। समझ गए होंगे? तो देखो होता क्या चीज़ है कि प्रकाश ये है क्या चीज़, तो प्रकाश पहले सूर्य से आती है पृथ्वी पे, पृथ्वी पे टकराने के बाद मेरी आँख तक पहुँचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश। अगर पूछा जाए प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आती है कि क्या प्रकाश के बारे में और कुछ है। तो देखो प्रकाश की जो चाल होती है, अब हमसे जब पूछा जाए कि प्रकाश की जो चाल होती है, तो ये सबसे ज़्यादा किस में चलती है, तो ये सबसे ज़्यादा निर्वात में चलती है। उसके बाद ये किस में चलती है, तो ये माध्यम में चलती है, जिसको हम लोग गैस बोल सकते हैं। उसके बाद ये किस में चल सकती है, तो ये द्रव में, और सबसे कम ये किस में चलती है, तो ये ठोस में। ध्वनि का क्या होता है, ध्वनि का विपरीत। देखो ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है। उसके बाद किस में होता है, द्रव में। उसके बाद किस में, माध्यम में। तो बिल्कुल ध्वनि बहुत कम मात्रा में होता है। तो अगर पूछा जाए कि चाल, अब पूछा जाए कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात कौन किया था, तो ये ज्ञात किए थे रोमर। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोमर, रोमर जी, मतलब या तो कह सकता है रोमर चचा, इसको ज्ञात किए थे, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे आता है कि अब प्रकाश के बारे में क्या आता है, कि प्रकाश जो होता है, अब यहाँ पे पारदर्शी माध्यम एक होता है, पारदर्शी एक होता है, अपारदर्शी, और एक होता है पारभाषी। तो प्रकाश एक पारदर्शी में चलता है, एक अपारदर्शी में, एक पारभाषी में। अब बात आता है कि पारदर्शी किसे कहेंगे, तो जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार के बिल्कुल आर पार होगा ही नहीं, उसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। पारभाषी किसे कहेंगे, तो पारभाषी जिसमें प्रकाश की किरण थोड़ा सा आर पार हो जाए और थोड़ा नहीं भी हो, उसको हम लोग कहेंगे पारभाषी। अब आप लोग समझिएगा, जैसे देखिए उदाहरण पारदर्शी, तो पारदर्शी कहने का मतलब है कि अगर खिड़की है, तो खिड़की से प्रकाश की किरण अगर आर पार चला जा रहा है, बिल्कुल खिड़की पे मार रहा है, अगर खिड़की का बाहर एकदम बिल्कुल प्रकाश की किरण चला जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आर पार हो जाना चाहिए, बात समझ रहे होंगे। अपारदर्शी का मतलब कि आर पार किरण होना ही नहीं चाहिए, जैसे दीवाल है तो दीवाल से किरण आर पार नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया अपारदर्शी। जैसे शीशा हो गया, तो शीशा में ये पारदर्शी, अगर पानी है तो पानी पारदर्शी। अपारदर्शी क्या है, तो अपारदर्शी दीवाल हो गया, कोई भी दीवाल उठा लो या बोर्ड उठा लो, यही बोर्ड है, तो अगर इस पर किरण मारा जाए तो क्या इससे किरण पार होगा, नहीं होगा। पारभाषी, अब जैसे देखो पारभाषी क्या होता है, तो पारभाषी जैसे तेल लगा हुआ कागज़, ये क्या हो जाएगा, इसमें तेल लगा हुआ कागज़, बात समझ रहे होंगे। अगर तेल लगा हुआ कागज़ है या तो फूटा हुआ शीशा है, क्या है समझिएगा, फूटा हुआ शीशा, फूटा हुआ शीशा में जब आप लोग देखते होंगे खुद की तस्वीर, तो उसमें थोड़ा सा चेहरा दिखाई देता होगा और थोड़ा नहीं भी दिखाई देता होगा। जैसे चेहरा उसमें दिखाई देता होगा, नहीं भी दिखाई देता होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पारभाषी। समझ गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पारभाषी। तो वैसी प्रकाश की किरण
जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाए उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। प्रकाश की किरण जिसमें आसानी से आर पार ना हो उसको कहेंगे अपारदर्शी। जिसमें प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा आर पार हो थोड़ा थोड़ा नहीं हो तो इसको कहेंगे पारभाषी। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे चलेंगे। अब एक होता है इसमें, अब हमारे पर प्रकाश दो प्रकार की होती है, प्रकाश दो प्रकार की होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, एक जिसको बोलते हैं क्या चीज प्रदीप्त वस्तुएं, और एक बोलते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं। एक को क्या बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखो प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं, अब यहाँ पे देखना ये जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं ये प्राकृतिक लाइट, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं ये हो गया मानव लाइट। तो प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो हमारा क्या कहलाता है प्राकृतिक लाइट। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। बात समझ रहे होंगे, जैसे कहने का मतलब है इसमें अगर सूरज है, सूरज भगवान हमारे यहाँ पे है तो ये अपने से यहाँ पे लाइट दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए लालटेन की तो लालटेन भी यहाँ पे प्रकाश दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए लैंप की तो लैंप भी यहाँ प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं। लेकिन जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, कहने का मतलब है कि अगर ले लिया जाए टेबल कुर्सी यहाँ पे बेंच, तो ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज प्रदीप्त वस्तुएं। बात समझ रहे होंगे, धीरे धीरे समझना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी कोई इसमें बड़ी चीज़ें हैं नहीं, सब छोटी छोटी बातें हैं। आप लोग समझ गए होंगे बात समझ में। अब यहाँ पे चलना है हम लोग को, अब देखना है, अभी प्रवर्तन पे बात नहीं करेंगे, अभी प्रवर्तन पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्रकाश पे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे होता है क्या चीज किरण पुंज। अब यहाँ पे आ गया कौन चीज किरण पुंज। अब देखो किरण पुंज जो हमारे यहाँ है, प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज। अब किरण पुंज यहाँ पे पूछा जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे यहाँ तीन प्रकार के, जो 10th क्लास में पढ़ना है वो किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर, और एक हमारे यहाँ होता है अभिसारी। ठीक है, एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अब देखो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अगर एक बिंदु से, अगर यहाँ पे मान लिया जाए प्रकाश है सूर्य भगवान, और यहाँ से अगर किरण निकल रही है इस प्रकार से, वैसी किरण पुंज जो किसी बिंदु से निकलती हुई प्रकाश की किरण अगर फैलती चली जा रही है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज बोलेंगे इसको अपसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से प्रकाश की किरण अगर फैलती चली जा रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अपसारी किरण पुंज।
समांतर किरण पुंज, अगर यहाँ पे अब बात आ जाए समांतर किरण पुंज की, तो मान लिया जाए कि देखो इस प्रकार से बिल्कुल एक सीधी रेखा में समान दिशा में बिल्कुल चल रहा है, एक सीधी लाइन में एकदम बिल्कुल इस प्रकार से अगर चल रहा है प्रकाश की किरण, अगर वो जा रहे है तो इसको समांतर के मतलब कहने का मतलब समान अंतर, सब समान अंतर से चल रहा है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। अब देखो अभी सारी किरण पुंज है ना, जस्ट अब सारी किरण पुंज का क्या है, अपोजिट है। अब देखो एक बिंदु से ये निकल करके फैल रही है, ये प्रकाश की किरण जैसे मान लिया जाए यहाँ से फैल रही थी और फैलती हुई एक जगह आ करके अगर वो रुक जाती है इस प्रकार से कोई एक बिंदु पे आकर के कहीं पे अगर उसका लाइट यहाँ पे खत्म हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार से अगर आ रही है, इस प्रकार से इधर से किरण आ रही है अगर एक बिंदु पे आ करके अगर लास्ट कर जाती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे किरण पुंज समझ गए होंगे, प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को, ढेर सारा अगर प्रकाश है वहाँ से किरण अगर आ रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज। और किरण पुंज कितने प्रकार के, तो एक हो गया अपसारी किरण पुंज, एक हो गया समांतर किरण पुंज और एक हो गया अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो याद रखना जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलती हुई अगर वो फैलती चली जा रही है उसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को किसे कहेंगे, वैसी किरण पुंज जो प्रकाश की किरण एक समांतर अगर सीधी लाइन में चल रही है उसको हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो वैसी किरण पुंज जो प्रकाश की किरण अगर फैल रही है कहीं पे और वो फैलती हुई किरण पुंज एक बिंदु पर आकर के अगर मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो आज भर हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला क्लास यहाँ से बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम परावर्तन बताएंगे, परावर्तन पहले बताएंगे, इसके बाद इसमें दर्पण बताएंगे, दर्पण बताएंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें फिर पूरा डिटेल में और करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे परावर्तन। आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए इक्वेशन बैलेंसिंग, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा अब पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग के आज इक्वेशन बैलेंसिंग जो छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा है, इक्वेशन बैलेंसिंग जो है वो पूछा जा रहा है ज़्यादा, इसलिए छोटा छोटा तो सब है लेकिन आज बड़ा इक्वेशन बैलेंसिंग पे काम करेंगे और बड़ा बड़ा इक्वेशन बैलेंसिंग सीखेंगे कि बड़ा बड़ा इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो आज हम लोग एक विधि से सीखेंगे और उस विधि का नाम है आंशिक समीकरण विधि। आप लोग पढ़े होंगे अगर ट्वेल्थ में होंगे तब, और अगर जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं और टेंथ क्लास का स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट भी इसे पढ़ सकता है, इस इक्वेशन बैलेंसिंग को देख सकता है, क्योंकि आज जो इक्वेशन बैलेंसिंग बताने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा होगा लेवल का। ठीक है, तो देखिए पहले एक छोटा सा इक्वेशन बैलेंसिंग पहले बताते हैं कि जैसे इक्वेशन बैलेंसिंग कहने का मतलब है इक्वेशन बैलेंसिंग, ये थोड़ा इस बरस कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है अब इस सवाल को। ठीक है, तो टेंथ क्लास में नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ने के कारण पूरा गहराई से इलेवंथ ट्वेल्थ में जा करके वहाँ पे दिक्कत होता है, वहाँ पे फंसते हैं और कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है, क्वेश्चन हार्ड है, तो इसलिए सीखिए अब यहाँ पे। जैसे कहने का मतलब है कि इधर H2 है या Cl2 है, यहाँ पे HCl है। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, अगर क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कभी मत लगाना, यहाँ पे कभी मत लगाना, जब भी लगेगा तो 2 और 1 3 जो भी लगाना है यहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, अब जैसे देखा जाए कि हाइड्रोजन के पास पहले हम आएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन हम यहाँ पे देख रहे थे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे।
अब हाइड्रोजन दो लगाए तो ये हाइड्रोजन दो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे वन था, तो वन गुने टू यहाँ पे दो हो गया। अब क्लोरीन हमारे पास दो है, तो ये दो हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए है। क्लोरीन वन था, वन गुने दो, तो यहाँ पे क्लोरीन भी कितना हो गया, दो। ये तो इक्वेशन बैलेंसिंग करने के लिए सब जानते हैं। अब जैसे इसमें से दे दिया जाए CaCO3, यहाँ से इससे टूट करके बनता क्या चीज़ है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम आप लोग देख रहे हैं एक है, यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक और दो तीन। क्योंकि इक्वेशन बैलेंसिंग में देखिए होता क्या चीज़ है कि इक्वेशन बैलेंसिंग में होता है कि दोनों तरफ में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर इधर अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल जोड़ करके अगर यहाँ पे सब आया है तो इधर भी हमारे पास कितना आना चाहिए, सब आना चाहिए। बात समझ रहे होंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि HCl प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे क्षार है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इससे बना दिया क्या चीज़, NaCl और प्लस H2O। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को अभी जो फिलहाल में है जो अच्छा से नहीं पढ़ते हैं टेंथ क्लास, वो उनको भी यहाँ पे दिक्कत होता है कि यहाँ पे NaCl कैसे बन जाता है, यहाँ पे H2O कैसे बन जाता है। तो ये सब भी सिखाएंगे, अभी फिलहाल बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको एग्ज़ाम है कंपटीशन का, ठीक है। तो HCl अब यहाँ पे है, HCl यहाँ पे अब हाइड्रोजन हमें देखना है, हाइड्रोजन हमारे पास एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, दो है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दो, ठीक है। हाइड्रोजन वहाँ दो था, यहाँ पे दो कर दिए। अब क्लोरीन हमारे पास कितना हो गया, दो। हाइड्रोजन को हम बैलेंस किए, हाइड्रोजन के चक्कर में क्लोरीन गड़बड़ा गया, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दो। कभी मत भूल करके यहाँ कभी मत लगा देना, जब भी लगेगा तो यहाँ लगाना या तो प्लस के इधर यहाँ पे लगाना। अब हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया। अब यहाँ पे सोडियम हमारे पास जाएंगे, सोडियम यहाँ देखेंगे कितनी है, दो है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना लगाना पड़ेगा, दो। अब सोडियम दो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, वन, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दो। अब वहाँ पे जब हम लगाए ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में हाइड्रोजन यहाँ पे चार हो गया है, दो दूनी चार। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें चार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चार हाइड्रोजन, चार क्लोरीन, चार हाइड्रोजन हो गया, लेकिन क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पे है चार लगाएंगे। अब इसके चक्कर में हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे सोडियम गड़बड़ा गया, तो सोडियम की जगह हमें कितना लगाना पड़ेगा, सोडियम की जगह चार लगाना पड़ेगा। अब देखो सोडियम यहाँ, हाइड्रोजन कितना हो गया, चार, क्लोरीन चार, अब देखो क्लोरीन चार, सोडियम चार, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी, दो, हाइड्रोजन चार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी, चार। अब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन चार, तो यहाँ पे जब ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या किया जाए कि ऑक्सीजन दो एक्स्ट्रा में लगा दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो और दो चार, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, वहाँ पे भी चार हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, वहाँ पे हाइड्रोजन चार हो गया। जब बैलेंस नहीं हुआ करे तब यहाँ पे इस प्रकार से लगा दिया करो, और ऐसा अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, बड़ा बड़ा अगर होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए, अब देखो आंशिक समीकरण विधि से इसको सीखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर सवाल में हमारे पास दे दिया जाए जैसे Fe2 प्लस O2, फिर यहाँ पे दे दिया जाए Fe2O3 और प्लस यहाँ पे SO2। अब इस सवाल को करने में थोड़ी सी सब इसमें फंसेंगे। अब देखो यहाँ पे Fe कितनी है, एक है, Fe यहाँ पे दो है, तो दो है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दो। अब यहाँ पे Fe दो लगा दिए, Fe यहाँ पे दो हो गया। सल्फर यहाँ पे चार, यहाँ पे सल्फर कितना, वन, सल्फर यहाँ पे लगाना पड़ेगा चार। अब सल्फर हम तो चार लगा दिए, अब यहाँ पे हमारा जो लोहा था ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे लोहा बैलेंस हो गया, सल्फर चार था, सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन और चार दूनी आठ, आठ और तीन ग्यारह।
अब तो ऐसा इक्वेशन आ गया कि 11 किसी पहाड़ा में आएगा नहीं कि यहाँ पे गुना करेंगे। और जब 7 अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से ना गुना हो ना कटे, जो कोई पहाड़ा में ना आता हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना 11/2 को पूरा इक्वेशन में यहाँ पे लिखेंगे और इससे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये सब सवाल देखो जब आएगा ना तो तुम्हें फंस आएगा, और यहाँ पे है तो आसान लेकिन नहीं जानने को तो बहुत फिर बहुत भारी है। 2 × 2 = 2, अब वहाँ से गुना करो, 2 × 2 = 4 Fe2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 11 O2। इसके लिए यहाँ के लिए 2 कैंसिल हुआ, बाकी के लिए 2 बचा है वो। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 Fe2 O3 और प्लस 4 × 2 = 8 SO2। अब यहाँ पे देखो इसको, अब इसको कर लो, 4 Fe 4 Fe, सल्फर 8 देखो यहाँ पे 8, अब देखो 11 × 2 = 22, अब यहाँ देखो 8 × 2 = 16 और 3 × 2 = 6 = 22 हो गया कि नहीं हो गया। जब ऐसा अब क्वेश्चन आएगा तो सोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब सोल्व कर लेना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन तुम लोग के पास है जो नहीं सॉल्यूशन हो रहा है वो भेज देना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इससे भी अब ऊंचा लेवल पे जाएंगे। ठीक है, एक था टाइप 1, ये था टाइप 2 और एक बताएंगे अब टाइप 3। अब देखो क्या बताएंगे, Cu + HNO3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Cu NO3 + N2O + H2O। अब तुम ऐसा जब मिलेगा तो तुम दिमाग लगाते रह जाओगे और ये अनुमान विधि से बनने वाला है नहीं, और जब ये अनुमान विधि से बनेगा नहीं तो तुम छोड़ छाड़ करके वहाँ से चल दोगे और कहोगे कि बना ही नहीं है, तुम तो ऐसा जानते ही नहीं थे इसलिए। हाँ, कौन सी कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट के पास जाना है, इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट, तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पास जाएंगे और इस प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, Cu NO3 → 2। अब पूछेंगे कि तुम किससे बने हो, तो ये इससे बना है, तो Cu + HNO3। अब देखो यहाँ पे कॉपर 1 NO3 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में बच गया तो इस हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा में लिख देंगे H2। ठीक है, इस सवाल को ये एक्स्ट्रा में बच गया है, कौन है ये एक्स्ट्रा में बच गया। अब हम जाएंगे किसके पास, N2O के पास, अब किसके पास जाएंगे N2O के पास, अब N2O से कौन रिलेटेड है, कॉपर का कोई मतलब है नहीं है, अब किसके पास जाएंगे HNO3 के पास। ठीक, अब देखो HNO3 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले यहाँ पे क्या करो कि पानी बना लिया करना, क्या बना लेंगे पानी। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, एक्स्ट्रा में क्या बच गया 4 ऑक्सीजन, अब एक्स्ट्रा में बच गया। अब हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट ये है, पहला इसके पास गए, दूसरा तीसरा, अब देखो इसके पास गए तो यहाँ पे क्या करेंगे कि H2O के पास जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा में बचा है हमारे पास ये और ये, इसको अब यहाँ पे लिख दो H2 + 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे भी 4 लग जाएगा, यहाँ पे भी 4 लग जाएगा जब बैलेंस करोगे तो। अब यहाँ पे 4 4 4 4 कॉमन आ गया, यह हमारा समीकरण फर्स्ट था, यह हमारा समीकरण सेकेंड था और यह हमारा समीकरण थर्ड था। अब इसमें गुना कितना से करो, 4 से। अब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 4 Cu + 4 × 2 = 8 और 2 नीचे जोड़ोगे, ऊपर गुना नीचे जोड़ना है, अगर मिलेगा तब, नहीं मिलेगा नहीं जोड़ेंगे, 4 × 8 = 2 = 10 HNO3। ठीक है, 4 H2 + 4 ऑक्सीजन, इस साइड वाला पूरा लिख दिए, ये पार्ट वाला जितना था इसमें लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 Cu NO3 → 2 + 4 H2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4H2। अब यहाँ पे क्या हो गया, N2O H2O 4H2O, यहाँ पे ही जुट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, 5H2O और प्लस 4 ऑक्सीजन। अब देखो कि कौन कौन कट रहा है, तो ये और ये, और यहाँ पे 4H2 और 4 ऑक्सीजन,
फोर एच टू, फोर ऑक्सीजन कट गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि फोर सी यू प्लस टेन एच एन ओ थ्री, फिर यहाँ पे क्या हो गया फोर सी यू एन ओ थ्री हल टू और प्लस एन टू ओ और प्लस फाइव एच टू ओ। अब इसको तुम देख सकते हो कि इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब तुम इसको दिमाग लगाते तो दिमाग लगाते लगाते ये हो सकता है कि दो घंटा में भी हो सकता है, सेट कर जाए तो हो भी सकता है, ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है कि कभी कभी लग चांस तुमसे लग सकता है, लेकिन हर हमेशा ये नहीं लग सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम तुम्हें सवाल में यहाँ पे चेंज कर दे कि एन थ्री ओ कर दे तो तू जा करके फंस जाओगे अब, ठीक है। अब तुम्हारे 64, 68, 128, 280 आ जाएगा, तब तुम्हें यही प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। और अगर इस विधि को तुम सीख जाते हो तो इसमें फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए आज तुम लोग को ये सिखाए हैं, तो इसमें दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तुम लोग के होमवर्क देते हैं और देखते हैं कि कौन कौन बनाता है, ठीक है। जैसे दे देते हैं फोर सी यू सी यू प्लस एच एन ओ थ्री सी यू एन ओ थ्री हॉल टू प्लस एन थ्री ओ प्लस एच टू ओ। ये तुम्हें वही दिए हैं जो दिए थे सी यू प्लस एच एन ओ थ्री, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी यू एन ओ थ्री के हॉल थ्री और प्लस एन टू ओ और प्लस एच टू ओ। अगर तुम लोग के पास अगर सीख गया होगा तो ये बनेगा, और नहीं सीखा होगा तो इस वीडियो को देखो और देख करके इसको बनाओ, तब तुम जा करके कोई अच्छा एग्ज़ाम, अगर मैट्रिक का तुम लड़का हो, अगर मैट्रिक में पढ़ते हो या तो इलेवंथ में पढ़ते हो, तो इसको सोल्यूशन करो और बहुत बेहतर है। ये ही सीखेगा तब आगे जा करके केमिस्ट्री और फिजिक्स का वैल्यू बहुत हो चुका है आगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कितना पढ़ो उसको गहराई से पढ़ो, ये नहीं कि मतलब कि हम पढ़ लिए ऊपर ऊपर। साइकिल चलाने के लिए तो सब जानता है, लेकिन साइकिल कितना बेहतर चलाने के लिए जानता है ये मैटर करता है, ठीक है। इसलिए तुम लोग मतलब बिल्कुल इसको इतना बेहतरीन से पढ़ो, इतना अच्छा से पढ़ो कि मतलब कोई भी क्वेश्चन देखो पढ़ो उसको, कोई भी चैप्टर हो उसको गहराई से पढ़ लो, उसके बाद कोई तुम्हें से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, और ऊपर ऊपर पढ़ेगा बाकी क्वेश्चन छूट रहा है। किस लड़का से क्वेश्चन छूटता है जो अंदर गहराई से नहीं पढ़ता। अगर अंदर गहराई से पढ़ लिया अगर वो, उसे कैसा भी क्वेश्चन दो वो बना लेता है, उसे कैसा भी क्वेश्चन पूछो वो बना देता है। तो कहता है कि ये कैसे बनाता है कैसे, क्योंकि वो गहराई से पकड़ लिया है उसे। और जिसको जकड़ करके अगर अच्छा से एक बार पकड़ लिया जाए तो वो चैप्टर तुम्हारे लिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए आज दे दिए हैं, तुम लोग बनाना और कल इसको अगर भेज सकते हो तो भेजना, ठीक है। आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला क्लास में हम आएंगे और इसको बताएंगे, ठीक है। तुम लोग के लिए अब काम करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए 2023 एग्ज़ाम के लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, जो मैं आप लोग के लिए आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। और ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बना लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं छाट करके कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, जैसे कोसे बटा वन प्लस साइने प्लस वन प्लस साइने बटा कोसे बराबर दिया है टू सेके लाना है। आप लोग तो पढ़ रहे होंगे लेकिन देख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को 5-5 बार बनाइए, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में हैं, अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन को 5-5 बार बनाइए, ठीक है। और थोड़ा अब जिस हिसाब से पहले के हिसाब से जैसे मैट्रिक पढ़ रहा था तो उस हिसाब से मत पढ़ो। अगर मैट्रिक में हो तो कम से कम 5 बुक बनाया करो, NCERT बनाया करो, भारती भवन बनाया करो, KC सिन्हा बनाया करो, और जो किताब है RD शर्मा जो किताब है उसको बनाया करो। क्योंकि देखो आगे चल करके अब एग्ज़ाम बहुत टफ होने के लिए जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन जितना पढ़ सकते हो और मैट्रिक में ही तुम जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना तुम्हें 11th और 12th में बेहतर हो सकते हो, ठीक है।
तो मैट्रिक में पढ़ो पूरा गहराई तक, अगर साइंस भी पढ़ते हो तो साइंस का एक टॉपिक पढ़ो तो पूरा उसको गहराई तक पढ़ो, ठीक है। और अगर जो लड़का आईआईटी करना चाहता है, जो एमबीबीएस करना चाहता है, जिसको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है स्पेशलिस्ट आईआईटी के लिए, जैसे कुछ कुछ मेरा स्टूडेंट है जो कि गया है वहाँ एग्ज़ाम, जैसे होता है बड़ा बड़ा कोचिंग में एग्ज़ाम होता है, तो निकाला है एग्ज़ाम को और वो क्वालिफाई किया है और पढ़ रहा है। और जब तुम लोग भी अगर पढ़ोगे तो तुम लोग भी वहाँ जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हो वहाँ, क्योंकि सिमुलतल्ला के लड़कन का ही एडमिशन होता है। तो मेरा भी स्टूडेंट वहाँ पे गया है, मेरा भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि हम देखो पढ़ाते हैं तो मैट्रिक लेवल के हिसाब से हम नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं लेवल के हिसाब से, ठीक है, कि तुम अच्छा जगह पे आईआईटी अगर करना चाहते हो तो वहाँ पे जा सको। ये नहीं कि पढ़ाएंगे जिस तरीका से पहले पढ़ाई हो रहा था, मैट्रिक का हम पढ़ा देंगे, तुम तो पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी तुम्हारा नंबर भी चलाएगा। तो नंबर से मत खुश हो कि हमारा 470 चलाया, 460 चलाया, तुम बेहतर कितना हो, तुम्हारे पास मेरिट कितना है, तुम अगला एग्जाम कितना क्वालिफाई कर सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई करना, बड़ा बड़ा एग्जाम वो सब, मैट्रिक ये सब छोटा एग्जाम है, ये सब क्या मतलब कि समय नंबर के चक्कर में रहते हो, ठीक है। पढ़ो पूरा बेहतरीन से। और हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री वाला एस कुमार, उस पर अब आ जाओ, उस पर जुड़ो और हम आईआईटी लेवल के लिए तुम्हें मैट्रिक में ही तुम्हारा एलेवंथ का एडवांस लेवल का हम पढ़ाएंगे, उसमें तुम्हारा बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे चैनल पे आना, हम पढ़ाएंगे, उसको देख लेना वीडियो को और देखना फिर कि वहाँ पे तुम जब जाओगे जहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर हम नमेरिकल बताएंगे तो नमेरिकल एक चैप्टर में अगर प्रकाश का परावर्तन में है तो उसमें हम तुम्हें 35 से 40 नमेरिकल बताएंगे। विद्युत धारा में है तो विद्युत धारा को बहुत डिटेल में करेंगे, उसमें कम से कम 1.5 महीना का समय लेंगे, ठीक है। तो ये सब मतलब कि पढ़ो बेहतरीन तरीका से, ये नहीं कि सिर्फ देखते हैं कि मतलब पढ़ा पढ़ा करके सिलेबस खत्म हो गया 6 महीना पहले ही, पता चला कि नंबर लेके चला है, खुश है और आगे चल करके जा करके फंस रहा है, तब ऐसा नहीं। अब तुम लोग खुद बनो, खुद सोचो, तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता है, तुमसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता है, तुम अपनी सोचो कि हमको क्या करना है, हम कैसे एग्ज़ाम निकालेंगे। अगर कोई गार्जियन है बड़ा है, राय मशवरा लेते रहो और उससे पूछते रहो कि हम कैसे, नहीं तो बड़े बड़े जो कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उससे पूछो। अब देखो इस सवाल जो 2023 में पूछेगा तो यहाँ पे 1 + sin a × cos, तो यहाँ पे 1 + sin a जो है, अब यहाँ पे ये 1 + sin a 1 + sin a यहाँ पे एलसीएम में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ cos² a और प्लस cos से कैंसिल होगा, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + sin a का क्या हो जाएगा ½, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos² a प्लस 1² + sin² a + b के ½, आप लोग जानते होंगे a² + b² + 2ab, ठीक है। और बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin a × cos a। अब देखो cos² a + sin² a, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin a हो जाएगा, बटे इसको करो 1 + sin a × cos a, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि हमें लाना क्या चीज़ है, क्या चीज़ हम करेंगे कि ताकि ये हमारा 2 sec आएगा। अब एक एक दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 × sin a, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 + sin a × cos a, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को कॉमन लो और यहाँ पे 1 + sin a बटा 2 कॉमन लिए तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2, और 2 से गुना करेंगे तो 2 sin a हो जाएगा, ठीक है, ये समझना। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ 1 + sin a × cos a, अब 1 + sin a 1 + sin a कैंसिल हो गया, 2 बच गया ऊपर में, नीचे बच गया क्या चीज़ cos a, बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2 sec, ठीक है। उम्मीद होगा आप लोग समझ रहे होंगे बात, RHS प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है दोबारा से फिर से देख लेना, और ये इसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ये सब आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। बुक बनाओ तुम लोग 5 बुक मैट्रिक में, अगर आगे जाना चाहते हो आईआईटी, जैसे एलएन में क्या करता है, एलएन में जब तुम पढ़ने के लिए जाओ तो 6th class से ही वहाँ पे तुम्हें बहुत हाई लेवल तक ही पढ़ा देगा, और इधर जब पढ़ाएगा ना हाई लेवल तो कहेगा कि हाई लेवल पढ़ाता है, ठीक है, नहीं हाई लेवल ही पढ़ो, शुरुआत से ही बनते रहो, क्योंकि अब उतना पहले जैसा एग्ज़ाम अब नहीं रहा, लड़कन बहुत ज़्यादा हो गया, वैकेंसी बहुत कम हो गया है, ठीक है।
ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़िए, अभी नहीं समझोगे तो फिर बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, समय के साथ अगर जिसको समझदारी चलाता है तो बहुत बेहतर है। अब देखो साइन ए प्लस कॉस ए के का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और बराबर सात प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे है कोट स्क्वायर ए। तुम लोग सब्सक्राइबर 1000 कर दो, उसके बाद देखना हम लाइव क्लास चार चार घंटा पाँच पाँच घंटा जितना कहेगा उतना हम लेंगे और एक एक टॉपिक एक दिन में समाप्त कर देंगे। और कोई भी क्वेश्चन तुम लोग डायरेक्टली एकदम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो लाइव में पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए, ये सवाल एनसीईआरटी का है, वो जो पिछले बताए वो भी एनसीईआरटी का था, और जो दो सवाल मेन सवाल था वो हम अपना चैनल पे डाल दिए हैं। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, क्योंकि a प्लस बी की हल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए है ये b है, बात समझ में। फिर यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर ए, फिर लिखो प्लस एक स्क्वायर ए और फिर लिखो प्लस टू कॉस ए और इंटू सेक के, इतना तुम्हें लिखने के लिए आना चाहिए, इतना सबको आना चाहिए और ये कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और यहाँ पे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे और प्लस यहाँ पे लिखेंगे टू साइन ए और इंटू कॉसे को हम जानते हैं फार्मूला तुम लोग जानता होगा, वन बटा साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉसे इंटू वन बटा सेक के लिखो कॉसे। अब देखो इसको हम क्यों लिख रहे हैं, काहे लिख रहे हैं, कितना को कहता है कि कहीं पे यहाँ पे चेंज कर देते हैं कहीं पे वहाँ, तो बाबू तुम पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब अच्छा से, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो अच्छा से, तुम क्वेश्चन को जब बनाओगे खुद पता चल जाएगा। देखो जब विद्यार्थी कमज़ोर होता है ना तो उसको कभी कभी लगता है यहाँ पे कैसे हो गया, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे हो गया, क्योंकि तुम बढ़िया से पढ़ ही नहीं रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। अगर तुम बढ़िया से मेहनत जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे ना उस दिन खुद तुम बन जाओगे टैलेंट, फिर खुद तुम कहने लगोगे कि कैसे हो रहा है तुम, इसके मतलब है तुम दूसरा को फिर बताने स्टार्ट कर दोगे कि तुम नहीं बढ़िया से पढ़ रहे हो। अब जो था वो हमने लिख दिए, क्या लिखे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस एक स्क्वायर ए प्लस टू यहाँ था। अब साइन स्क्वायर ए, और देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वन होता है, ठीक है, तो वन प्लस यहाँ पे कॉस एक स्क्वायर ए है और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पे प्लस दो है यहाँ पे प्लस दो है, तो पहले हम लिख लेते हैं प्लस दो और प्लस दो, ठीक, यहाँ पे फिर लिखते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए और फिर लिखते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए, जो हमारा बच गया वो तो लिख दिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है कि वन, देखो एक तीन दो दो पाँच, पाँच प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या एक क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लाना किस में है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में लाना है, जब इसमें लाना है तो हमें चेंज करना पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर को, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए, बात समझ रहे होंगे बाबू लोग, पाँच एक छः और एक सात, सात चलाया प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे हमारा आर एच एस यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक दिन हम आएंगे पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास लेंगे और पूरा पूरा का पूरा एक दिन में हम समाप्त कर देंगे, चार से पाँच घंटा में पूरा का पूरा जो होगा तुम्हारा बेसिक क्लास जो होगा कि प्रूफ करने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन कैसे हुआ, वन प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर कैसे हुआ, साइन टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए कैसे हुआ, ट्रिपलेट नंबर कहाँ से निकलेगा कैसे निकलेगा, कहाँ पर थीटा होगा क्या होगा, वो सब करेंगे, ठीक है। अब ये सवाल तो हो गया, आज फिलहाल दो सवाल बता दिए हैं तुम लोग को और दो सवाल पहले करा चुके थे। अब यहाँ पे इसमें से एक सवाल और तुम लोग के लिए लेकर के चलते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए
कॉसेक ए माइनस साइन ए, और फिर सवाल में है सेके माइनस कॉसेक ए, सेके माइनस कॉसे, फिर यहाँ पे वन बटा लिखेंगे टैन ए प्लस कॉटे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो एग्ज़ाम में, अगर ट्वेल्थ का किसी का फिजिक्स में कोई भी दिक्कत हो, सवाल भेज सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर है 6205-3227-45, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन इंटर का हो, फिजिक्स का हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, इस पे तुम भेज सकते हो, हम सॉल्यूशन करके भेज देंगे। ठीक है, या तो मैट्रिक का कोई सवाल है, अगर नहीं बन रहा है, अगर हम नहीं यहाँ पे हैं, अगर हमसे नहीं बात हो रहा है, तो डायरेक्ट बात करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कॉस ए के लाना है इतना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कॉस ए के, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस ए के को क्या क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं वन बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा वन। ठीक, कोई दिक्कत। अब सेके को हम क्या लिख सकते हैं, वन बटा कौसे और माइनस कौसे बटा वन। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो साइन ए, तो साइन ए जब एलसीएम लिया, साइन ए कैंसिल, वन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो हम क्या किए, या तो तुम्हारी मर्जी होता वन बटा साइन ए में हम चेंज किए, साइन ए में यहाँ पे भी था, या तो तुम्हारा मर्जी होता कि हमें साइन को ही चेंज करना है, तो साइन को ही भी चेंज कर रहना है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी कौसे, तो यहाँ पे लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात समझ रहे हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला जानते हो गए, कॉस स्क्वायर ए और बटा साइन ए इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा कौसे, कौसे से कौसे कैंसिल कर देंगे, साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देंगे, हमारे यहाँ बच गया ऊपर में कौसे, यहाँ पे बच गया कौन सी, कौसे इंटू साइन ए, ये बच गया। अब इससे आगे इसमें काम हो नहीं सकता है, ये बच गया, यहीं तक ये बच गया, अब कहेगा कुल आया क्यों नहीं, अब ये नहीं आया तो इसको भी तुम लोग प्रूफ कर लो। अब एक बटा यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ए बटा कौसे और प्लस कौसे बटा यहाँ पे लिखते हैं साइन ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वन बटा यहाँ पे कौसे इंटू साइन ए, कौसे इंटू साइन ए लिख दिए, कौसे कौसे कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे लिख देंगे कौस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हो गया वन बटा कौसे इंटू साइन ए, अब ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आ गया, कौसे इंटू साइन ए, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे आएगा कौसे इंटू साइन ए, और यहाँ पे भी आंसर आएगा कौसे इंटू साइन ए। और ये आप लोग के लिए ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन अगर कहोगे तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू लोग, ध्यान से देख लेना, पढ़ना आराम से। ठीक है, अब हमारा कुछ काम था इसलिए हम नहीं पढ़ा पा रहे थे, कुछ वैसा व्यवस्था में कमी था जिसके कारण नहीं हो पा रहा था। अब हम रेगुलर आएंगे और रेगुलर आप लोग के लिए पढ़ाएंगे, रेगुलर क्लास लेंगे, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन बता करके हम निकल जाएंगे, अगर तुम लोग के पास बड़ा क्वेश्चन भी है तो दे सकते हो। ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा वन माइनस कॉट ए और बराबर यहाँ पे लाना है हमें टेन स्क्वायर ए। ठीक है, प्रूफ करके। अब देखो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए
और बटा यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए एल सी एम लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बात समझ रहे हैं। फिर बटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एल सी एम लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बटा कॉस स्क्वायर ए बटे वन बटा यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर। अब देखो होता क्या चीज़ है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो तुम लोग पढ़े होगे ए बटा बी उन्हें डी बटा सी, तो ए बटा बी लिखेंगे वन बटा कॉस स्क्वायर ए और गुने साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा वन। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और बटा यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर तुम लाना चाहते हो इससे भी वन माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा वन माइनस कॉट ए है कि कॉट स्क्वायर ए है, थोड़ा देख लेना पड़ेगा। नहीं, ये पूरा का हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। ये पूरा का क्या है, वन माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बटा, इसको लिखेंगे कोस ए, और वन माइनस इसको लिखेंगे कोस ए बटा यहाँ पे साइन ए का पूरा का हम लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो कॉस ए, यहाँ पे ले लो कॉस ए और माइनस साइन ए बटा यहाँ पे एलसीएम ले लो तुम क्या चीज़, साइन ए, तो यहाँ पे ले लो साइन ए और माइनस कॉस ए, बात समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि ए बटा बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए और बटा यहाँ पे कॉस ए और गुने ऊपर में ये जाएगा साइन ए, तो इसका का पूरा का ये क्या है, होल स्क्वायर है। साइन ए बटा यहाँ पे लिखाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो एक काम करना, साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए है ना, तो इसको का पूरा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, तो इससे इसको काट दो, तो यहाँ पे बच गया कौन चीज, साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। ये भी हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, बात समझ रहे होंगे, ठीक है। आज भर इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला एस कुमार, कुछ हम वीडियो 6-7 डाले थे और कुछ मतलब कि व्यस्त, मतलब कि कुछ काम रह जाने के कारण हम बढ़िया से तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, आप लोग के पूरा का त्रिकोणमिति का पूरा डालेंगे, पूरा मतलब कि बेहतर से बेहतर हम जितना कोशिश करेंगे, जितना हो सके तुम्हें अच्छा बेहतरीन जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही पर रहने दो, बाकी कल मिलेंगे, ठीक। हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए इक्वेशन बैलेंसिंग, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा अब पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग के आज इक्वेशन बैलेंसिंग जो छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा है, इक्वेशन बैलेंसिंग जो है वो पूछा जा रहा है ज़्यादा, इसलिए छोटा छोटा तो सब है लेकिन आज बड़ा इक्वेशन बैलेंसिंग पे काम करेंगे, और बड़ा बड़ा इक्वेशन बैलेंसिंग सीखेंगे कि बड़ा बड़ा इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो आज हम लोग एक विधि से सीखेंगे और उस विधि का नाम है आंशिक समीकरण विधि। आप लोग पढ़े होंगे अगर 12th में होंगे तब, और अगर जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं और 10th क्लास का स्टूडेंट, 9th क्लास का स्टूडेंट भी इसे पढ़ सकता है, इस इक्वेशन बैलेंसिंग को देख सकता है, क्योंकि आज जो इक्वेशन बैलेंसिंग बताने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा
होगा लेवल का, ठीक है। तो देखिए पहले एक छोटा सा इक्वेशन बैलेंसिंग पहले बताते हैं कि जैसे इक्वेशन बैलेंसिंग कहने का मतलब है, इक्वेशन बैलेंसिंग ये थोड़ा इस वर्ष कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है अब इस सवाल को, ठीक है। तो टेंथ क्लास में नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ने के कारण पूरा गहराई से इलेवंथ ट्वेल्थ में जा कर के वहाँ पे दिक्कत होता है, वहाँ पे फंसते हैं और कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है, क्वेश्चन हार्ड है। तो इसलिए सीखिए अब यहाँ पे, जैसे कहने का मतलब है कि इधर H2 है या Cl2 है, यहाँ पे HCl है। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, अगर क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कभी मत लगाना, यहाँ पे कभी मत लगाना, जब भी लगेगा तो 2 और 1 3 जो भी लगाना है यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। अब जैसे देखा जाए कि हाइड्रोजन के पास पहले हम आएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन हम यहाँ पे देख रहे थे हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन 2 लगाए तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 था, तो 1 × 2 यहाँ पे 2 हो गया। अब क्लोरीन हमारे पास 2 है तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए है, क्लोरीन 1 था, 1 × 2 तो यहाँ पे क्लोरीन भी कितना हो गया 2। ये तो इक्वेशन बैलेंसिंग करने के लिए सब जानते हैं। अब जैसे इसमें से दे दिया जाए CaCO3, यहाँ से इससे टूट करके बनता क्या चीज़ है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम आप लोग देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 3। क्योंकि इक्वेशन बैलेंसिंग में देखिए होता क्या चीज़ है कि इक्वेशन बैलेंसिंग में होता है कि दोनों तरफ में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर इधर अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल जोड़ करके अगर यहाँ पे सब आया है तो इधर भी हमारे पास कितना आना चाहिए, सब आना चाहिए। बात समझ रहे होंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि HCl प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे क्षार है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इससे बना दिया क्या चीज़, NaCl और प्लस H2O। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को अभी जो फिलहाल में है जो अच्छा से नहीं पढ़ते हैं टेंथ क्लास, वो उनको भी यहाँ पे दिक्कत होता है कि यहाँ पे NaCl कैसे बन जाता है, यहाँ पे H2O कैसे बन जाता है। तो ये सब भी सिखाएंगे, अभी फिलहाल बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको एग्ज़ाम है कंपटीशन का, ठीक है। तो HCl अब यहाँ पे है, HCl यहाँ पे अब हाइड्रोजन हमें देखना है, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2, ठीक है। हाइड्रोजन वहाँ 2 था, यहाँ पे 2 कर दिए। अब क्लोरीन हमारे पास कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन को हम बैलेंस किए, हाइड्रोजन के चक्कर में क्लोरीन गड़बड़ा गया, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2। कभी मत भूल करके यहाँ कभी मत लगा देना, जब भी लगेगा तो यहाँ लगाना या तो प्लस के इधर यहाँ पे लगाना। अब हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब यहाँ पे सोडियम हमारे पास जाएंगे, सोडियम यहाँ देखेंगे कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2। अब वहाँ पे जब हम लगाएं ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया है, 2 × 4। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पे है 4 लगाएंगे। अब इसके चक्कर में हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे सोडियम गड़बड़ा गया, तो सोडियम की जगह हमें कितना लगाना पड़ेगा, सोडियम की जगह 4 लगाना पड़ेगा। अब देखो सोडियम यहाँ, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, क्लोरीन 4, अब देखो क्लोरीन 4, सोडियम 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी, 2, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी, 4। अब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पे जब ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या किया जाए,
कि ऑक्सीजन दो एक्स्ट्रा में लगा दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो और दो चार, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे चार है वहाँ पे भी चार हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है वहाँ पे हाइड्रोजन चार हो गया। जब बैलेंस नहीं हुआ करे तब यहाँ पे इस प्रकार से लगा दिया करो, और ऐसा अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, बड़ा बड़ा अगर होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए अब देखो आंशिक समीकरण विधि से इसको सीखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर सवाल में हमारे पास दे दिया जाए जैसे Fe2 प्लस O2, फिर यहाँ पे दे दिया जाए Fe2O3 और प्लस यहाँ पे SO2। अब इस सवाल को करने में थोड़ी सी सब इसमें फंसेंगे। अब देखो यहाँ पे Fe कितनी है, एक है, Fe यहाँ पे दो है, तो दो है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दो। अब यहाँ पे Fe दो लगा दिए, Fe यहाँ पे दो हो गया। सल्फर यहाँ पे चार, यहाँ पे सल्फर कितना, वन, सल्फर यहाँ पे लगाना पड़ेगा चार। अब सल्फर हम तो चार लगा दिए, अब यहाँ पे हमारा जो लोहा था ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे लोहा बैलेंस हो गया, सल्फर चार था सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन और चार दुनी आठ, आठ और तीन ग्यारह। अब तो ऐसा इक्वेशन आ गया कि ग्यारह किसी पहाड़ा में आएगा नहीं कि यहाँ पे गुना करेंगे। और जब सात अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से ना गुना हो ना कटे, जब कोई पहाड़ा में ना आता हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना 11/2 को पूरा इक्वेशन में यहाँ पे लिखेंगे और इससे दो से गुना कर देंगे। ठीक है, ये सब सवाल देखो जब आएगा ना तो तुम्हें फंस आएगा, और यहाँ पे है तो आसान लेकिन नहीं जानोगे तो बहुत, फिर बहुत भारी है। दो दुनी, अब वहाँ से गुना करो, दो दुनी चार Fe2 प्लस दो से दो कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 11 O2। इसके लिए यहाँ के लिए दो दो कैंसिल हुआ, बाकी के लिए दो बचा है वो। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 Fe2O3 और प्लस चार दूनी आठ SO2। अब यहाँ पे देखो इसको, अब इसको कर लो, चार Fe, सल्फर आठ, सल्फर देखो यहाँ पे आठ। अब देखो 11 दूनी 22, अब यहाँ देखो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 22 हो गया कि नहीं हो गया। जब ऐसा अब क्वेश्चन आएगा तो सोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब सोल्व कर लेना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन तुम लोग के पास है जो नहीं सोल्यूशन हो रहा है वो भेज देना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इससे भी अब ऊंचा लेवल पे जाएंगे। ठीक है, एक था टाइप वन, ये था टाइप टू, और एक बताएंगे अब टाइप थर्ड। अब देखो क्या बताएंगे, Cu+HNO3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Cu(NO3)² + N2O + H2O। अब तुम ऐसा जब मिलेगा तो तुम दिमाग लगाते रह जाओगे, दिमाग लगाते रह जाओगे, और ये अनुमान विधि से बनने वाला है नहीं। और जब ये अनुमान विधि से बनेगा नहीं तो तुम छोड़ छाड़ करके वहाँ से चल दोगे और कहोगे कि बना ही नहीं है, तुम तो ऐसा जानते ही नहीं थे। इसलिए हाँ, कौन सी कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट के पास जाना है, इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट, तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के पास जाएंगे, और इस प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, Cu(NO3)² अब पूछेंगे कि तुम किससे बने हो, तो ये इससे बना है, तो Cu+HNO3। अब देखो यहाँ पे कॉपर वन NO3 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में बच गया तो इस हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा में लिख देंगे H2। ठीक है, इस सवाल को ये एक्स्ट्रा में बच गया है, कौन है ये एक्स्ट्रा में बच गया। अब हम जाएंगे किसके पास, N2O के पास। अब किसके पास जाएंगे, N2O के पास। अब N2O से कौन रिलेटेड है, कॉपर का कोई मतलब है नहीं है। अब किसके पास जाएंगे, HNO3 के पास। ठीक, अब देखो HNO3 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पहले यहाँ पे क्या करो कि पानी बना लिया करना, क्या बना लेंगे पानी। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, दो है, यहाँ पे एक है तो इसको दो लगा दो, हाइड्रोजन दो हो गया, नाइट्रोजन दो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, एक्स्ट्रा में क्या बच गया 4 ऑक्सीजन।
अब एक्स्ट्रा में बच गया, अब हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट ये है, पहला इसके पास गए, दूसरा तीसरा, अब देखो इसके पास गए तो यहाँ पे क्या करेंगे कि H2O के पास जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा में बचा है हमारे पास ये और ये, इसको अब यहाँ पे लिख दो H2 प्लस 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे भी 4 लग जाएगा, यहाँ पे भी 4 लग जाएगा जब बैलेंस करोगे तब। अब यहाँ पे 4 4 4 4 कॉमन आ गया, यह हमारा समीकरण फर्स्ट था, यह हमारा समीकरण सेकेंड था, और यह हमारा समीकरण थर्ड था। अब इसमें गुना कितना से करो, 4 से। अब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 4 Cu प्लस 4 × 2 = 8 और 2 नीचे जोड़ोगे, ऊपर गुना नीचे जोड़ना है, अगर मिलेगा तब, नहीं मिलेगा नहीं जोड़ेंगे। 4 × 8 और 2 = 10 HNO3, ठीक है। 4 H2 और प्लस 4 ऑक्सीजन, इस साइड वाला पूरा लिख दिए, ये पार्ट वाला जितना था इसमें लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 Cu NO3 ( 2 प्लस 4 H2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 H2। अब यहाँ पे क्या हो गया, N2O, H2O, 4 H2O, यहाँ पे ही जुट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, 5 H2O और प्लस 4 ऑक्सीजन। अब देखो कि कौन कौन कट रहा है, तो ये और ये और यहाँ